नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका एनएस एजुकेशन में। दोस्तों, हम डिस्कस कर रहे थे अवार्ड्स एंड ऑनर्स के बारे में, पुरस्कार और सम्मान के बारे में। और दोस्तों, अभी अभी हमारे दो पार्ट आ चुके हैं, पार्ट वन और पार्ट टू, अवार्ड्स एंड ऑनर्स पार्ट वन एंड पार्ट टू। अगर आपने अभी तक ये दो वीडियो नहीं देखे हैं तो आप जरूर ये वीडियो देखें, क्योंकि आगे आने वाले एग्जाम्स में आपसे काफ़ी क्वेश्चंस यहाँ से पूछे जाने वाले हैं। तो मैं करीब करीब 4 या 5 पार्ट्स में ये सारे अवार्ड्स एंड ऑनर्स को डिस्कस करूँगा। तो एक आखिरी जो हमारा पार्ट होगा उसमें इससे रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं और जो अलग अलग अवार्ड्स हैं, जो स्टेट अवार्ड्स हैं, उनके कुछ क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस करूंगा। तो जनरली मैं क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा एसएससी एग्जाम्स के बारे में, और एसएससी एग्जाम्स में जो क्वेश्चन आए हैं उनके बारे में डिस्कस करूंगा। लेकिन एग्जाम कोई सा भी हो, अवार्ड्स एंड ऑनर्स से क्वेश्चंस तो वो ही आएंगे। तो चलिए दोस्तों, हम बात करते हैं आज सबसे पहले सांस्कृतिक पुरस्कार के बारे में। जो राष्ट्रीय सांस्कृतिक पुरस्कार हैं उनके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहला जो है वो है राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार। 1992 में इसकी स्थापना हुई थी। मैं आपको एक बार फिर बता देता हूँ कि अगर यहाँ से क्वेश्चन आता है तो 3 या 4 तरीके से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। सबसे पहले अवार्ड की स्थापना कब हुई थी, सेकंड आपसे पूछा जा सकता है कि वो किस क्षेत्र में दिया जाता है, तीसरा आपसे पूछा जा सकता है इसकी जो पुरस्कृत राशि है वो कितनी है, इसके अलावा रिसेंट में ये पर्टिकुलर पुरस्कार किसको दिया गया, इस तरीके से क्वेश्चन आपसे पूछे जा सकते हैं। इसके अलावा ये भी पूछा जा सकता है इनमें से कौन सा पुरस्कार सांस्कृतिक पुरस्कार है। ये इस तरीके से 4 ऑप्शन आपके सामने होंगे। 4 ऑप्शन में से हो सकता है इनमें से एक ऑप्शन आपके सामने हो, बाकी दूसरे हों, तो आपको ये पता होना जरूरी है कि किस क्षेत्र में कौन सा पुरस्कार आपको दिया जाता है। तो चलिए हम इसकी बात करते हैं राजीव गांधी राष्ट्रीय सद्भावना पुरस्कार के बारे में। तो राष्ट्रीय एकता और अखंडता तथा सद्भावना कायम करने में विशिष्ट योगदान के लिए यह पुरस्कार दिया जाता है। 5 लाख रुपए इसकी पुरस्कृत राशि है, और इस पुरस्कार की जो नींव है अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी ने रखी है। नेक्स्ट है टैगोर पुरस्कार। रविंद्रनाथ टैगोर के नाम पे यह पुरस्कार दिया जाता है, और उनकी 150वीं जयंती के अवसर पर ये पुरस्कार की घोषणा की गई थी। 2011 में ये घोषणा की गई थी इसकी, मतलब 2011 में इसकी स्थापना हुई थी। और सांस्कृतिक सद्भावना के लिए भारत सरकार द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। 1 करोड़ की राशि इस अवार्ड में दी जाती है। इस पुरस्कार की स्थापना रविंद्रनाथ टैगोर की 150वीं जयंती वर्ष के उपलक्ष्य में की गई थी। तो नेक्स्ट अवार्ड है दोस्तों हमारा संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड। संगीत नाटक अकेडमी अवार्ड 1952 में इसकी स्थापना की गई थी, और संगीत नाटक अकेडमी जो है उसके द्वारा ये अवार्ड दिया जाता है। संगीत के क्षेत्र में, नृत्य के क्षेत्र में, रंगमंच के क्षेत्र में और पारंपरिक कलाओं के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। 50,000 रुपये की राशि यहाँ पे दी जाती है इस अवार्ड के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रीय तानसेन सम्मान। मध्य प्रदेश सरकार ने इसकी स्थापना की है 2012 में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, तानसेन जो थे, इनके जो अकबर थे, अकबर के एक 9 रत्नों में से एक थे। और इनके बारे में मैं आपको बता दूं, ग्वालियर में इनका मकबरा भी बनाया हुआ है और ग्वालियर के ही रहने वाले थे। और नेक्स्ट हम देखते हैं शास्त्रीय संगीत में उत्कृष्ट योगदान के लिए अवार्ड दिया जाता है। 2 लाख रुपए, शॉल, श्रीफल तथा सम्मान पट्टिका, इतनी चीजें इस अवार्ड में दी जाती हैं। मध्य प्रदेश शासन का पुरस्कार है। दिसंबर 2012 में इसकी स्थापना की गई थी। नेक्स्ट अवार्ड के बारे में बात करते हैं। सांस्कृतिक पुरस्कार हैं जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर दिए जाते हैं, ग्रेमी पुरस्कार है और ग्रेमी ग्रेमी अवार्ड है। आपने हनी सिंह का गाना तो सुना ही होगा, मैं ग्रेमी ले आऊंगा, तो ये वही ग्रेमी अवार्ड है। 1959 में इस अवार्ड की स्थापना की गई थी, और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगीत और कला के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए प्रदान किया जाता है। तो संगीत और कला के क्षेत्र में यह अवार्ड दिया जाता है, ग्रेमी अवार्ड है, और इस पुरस्कार को ग्रामोफोन अवार्ड भी कहा जाता है। तो ये इसका छोटा नाम है ग्रेमी, तो ये ग्रामोफोन अवार्ड से बन जाता है ग्रेमी अवार्ड, तो आपको ये भी पता होना जरूरी है। नेक्स्ट हम बात करते हैं कुछ पर्यावरण से संबंधित कुछ राष्ट्रीय पुरस्कार और सम्मानों के बारे में। तो एनवायरनमेंट से रिलेटेड जो भी पुरस्कार हैं उसमें सबसे पहले आता है इंदिरा गांधी पर्यावरण पुरस्कार। 1987 में इसकी स्थापना हुई थी, और पर्यावरण के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान करने वाले व्यक्तियों, संस्थाओं और संगठनों को ये अवार्ड दिया जाता है। फिर है इंदिरा प्रियदर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार, मतलब पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा ये स्थापित किया गया है। भारत के केंद्रीय पर्यावरण एवं वन मंत्रालय द्वारा 1986 में इसकी स्थापना हुई थी। वनीकरण तथा परती भूमि के विकास के क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान देने वाले व्यक्तियों तथा संगठनों को 5 श्रेणियों में दिया जाता है, व्यक्तिगत सहयोग, शैक्षिक संस्था,
पंचायतें, स्वैच्छिक एजेंसियां और सरकारी एजेंसियां जिला स्तर तक की। तो इंदिरा प्रिय दर्शनी वृक्ष मित्र पुरस्कार वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। अवार्ड्स, ये अवार्ड्स दिए जाते हैं आपके एनवायरमेंट के क्षेत्र में। नेक्स्ट, अब हम बात करते हैं इंटरनेशनल एनवायरमेंटल अवार्ड्स के बारे में। तो स्टॉकहोम वाटर प्राइज, स्टॉकहोम वाटर प्राइज जल संरक्षण के क्षेत्र में दिए जाने वाला विश्व का शीर्ष पुरस्कार, सबसे बड़ा पुरस्कार है अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर, स्टॉकहोम वाटर प्राइज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा चुका है। और 1991 में इसको स्थापित किया गया था। स्वीडन के नरेश कार्ल सोला गुस्तफ इसके संरक्षक हैं। पुरस्कार की राशि है 1.5 लाख अमेरिकी डॉलर। और जल से संबंधित किसी भी क्रियाकलाप को जो मानवता की खुशहाली के लिए किया जाता हो, उसके लिए प्रदान किया जाता है। तो ये भी एक छोटा सा प्राइज है, जो पानी जो बचाते हैं लोग, उसके लिए जो अलग अलग रिसर्च करते हैं उनके लिए ये चीज, उनके लिए अवार्ड दिया जाता है। ग्लोबल 500 रूल ऑफ ऑनर, ग्लोबल 500 रूल ऑफ ऑनर अवार्ड दिया जाता है। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम द्वारा ये स्थापित है। 1987 में इसकी स्थापना की गई थी और पर्यावरण से संबंधित क्रियाकलापों हेतु विश्व भर के व्यक्तियों या संस्थाओं को ये अवार्ड दिया जाता है। तो ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर के पर्यावरण पुरस्कार आपके हो गए हैं। नेक्स्ट हम देखते हैं समाज सेवा के लिए जो पुरस्कार दिए जाते हैं राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे। तो जमनालाल बजाज, तो जमनालाल बजाज फाउंडेशन द्वारा ये अवार्ड स्थापित किया गया था 1978 में। और विभिन्न क्षेत्रों में उत्कृष्ट कार्यों के लिए अवार्ड दिया जाता है। 5 लाख रुपए की नगद राशि इसको दी जाती है। तो ये समाज सेवा के क्षेत्र में ये अवार्ड दिया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अगर देखें तो सबसे बड़ा प्राइज है रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार। और रेमन मैग्नेसेस पुरस्कार जो है वो दिया जाता है फिलीपींस, जो है फिलीपींस के जो तीसरे राष्ट्रपति थे रेमन मैग्नेसेस, उनके अवार्ड में ये अवार्ड दिया जाता है, उनकी याद में ये अवार्ड दिया जाता है। 1957 में इसकी स्थापना हुई थी। $50,000 और प्रशस्ति पत्र इसमें दिया जाता है और हर साल ये अवार्ड दिया जाता है। एशिया के नोबल पुरस्कार के नाम से भी इसको जाना जाता है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि एशिया का नोबल पुरस्कार कौन सा है। नोबल प्राइज ऑफ द एशिया इज रेमन मैग्नेसेसे अवार्ड। और यह पुरस्कार फिलीपींस के तीसरे राष्ट्रपति रेमन मैग्नेसेसे की स्मृति में प्रतिवर्ष प्रदान किया जाता है। तो दोस्तों ये थे प्रमुख अवार्ड अंतर्राष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के। तो आपको ये वीडियो कैसा लगा आप प्लीज कमेंट करके मुझे बताएं। और इसके अलावा अगर आप कोई और टॉपिक पे भी वीडियो बनवाना चाहते हैं तो प्लीज कमेंट करें, मुझे जैसे ही टाइम मिलेगा मैं आपके लिए अवार्ड लेके आने की कोशिश करूंगा। अभी मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ, अभी मैं थोड़ा सा फ्री हूँ, तो मैं चाह रहा हूँ कि जल्द से जल्द आपके लिए बहुत सारे वीडियोज मैं लेके आऊँ। और इन वीडियोस को आप अपने दोस्तों के साथ जरूर करें, शेयर करें, और अपने सोशल मीडिया और व्हाट्सएप प्लेटफॉर्म इन सब चीज़ों पे जरूर शेयर करें, ताकि जिनको ज़रूरत है, जो ज़्यादा फीस नहीं दे सकते, इतनी बड़ी बड़ी ट्यूशंस हैं उनकी ज़्यादा फीस नहीं दे सकते हैं, उन तक ये वीडियो ज़रूर पहुँचें। और मेरा ये जो प्रयास है लोगों तक फ्री एजुकेशन प्रोवाइड कराने का, उस प्रयास को सफल बनाने में प्लीज़ मेरी मदद करें। और इसके अलावा अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस मिलते रहें। थैंक यू वेरी मच।